हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट वन ऑफ ज्योमेट्री। इन टू पार्ट्स वी विल कवर द कंप्लीट ज्योमेट्री, फाइन। सो इन टुडेज क्लास वी विल बेसिकली कवर द बेसिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इन बेसिक्स आई विल कवर स्टीवर्ट थ्योरम। स्टीवर्ट थ्योरम का एप्लीकेशन आपको दिखेगा एपोलोनियस थ्योरम में, विच इज द लेंथ ऑफ मीडियन एंड इन द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। सो फर्स्ट स्टीवर्ट थ्योरम, देन वी विल डिस्कस साइन रूल, हाउ साइन रूल इज गेटिंग डिराइव्ड, एंड ऑल्सो विल डिस्कस द प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फाइन। एंड नेक्स्ट पार्ट विल डिस्कस द ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, एंड देन विल मूव टू एक्चुअल टॉपिक विच इज सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर एंड योर ऑर्थो सेंटर। दोज फोर सेंटर्स आई डिस्कस इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्लास, देन ऑल द प्रॉपर्टीज, फाइन। नेक्स्ट पार्ट विल डिस्कस योर सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, ऑल द इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ओके। एंड नेक्स्ट पार्ट विल डिस्कस सेवास थ्योरम एंड कार्नोट्स थ्योरम, ओके। देन आई विल गिव यू सम इनसाइट्स अबाउट मास पॉइंट ज्योमेट्री, सम इनसाइट्स, ओके। एंड विद दैट विल कंप्लीट टुडेज क्लास। क्वाड्रिलेटरल्स विल बिगिन विथ टुमोरोज क्लास, क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल्स, फाइन। सो इन टू पार्ट्स कंप्लीट ज्योमेट्री विल बी समड अप ऑल द इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ओके। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट विल डिस्कस स्टीवर्ट थ्योरम, ओके। स्टीवर्ट्स थ्योरम I'm writing ST, okay? Stewart's theorem is, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ठीक है। वट एवर आई एम राइटिंग यू हैव टू मेक प्रॉपर नोट्स, ए बी सी। ऑल्सो यू विल गेट द कॉन्फिडेंस, मैं आपको यहाँ पे क्लास में इन वन शॉट आई एम सेइंग ऑल द फॉर्मूले, तो आपको भी लगेगा कि हाँ ही इज सेइंग ऑल द फॉर्मूले, मीन्स अगर मुझे याद है तो फिर आपको भी याद रहेगा, ठीक है। इन वन शॉट, इन वन सिटिंग आई विल डिस्कस कंप्लीट ज्योमेट्री, एक ही बार में मैं समझा रहा हूँ, मुझे इतने रिजल्ट्स याद हैं, तो फिर आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अगर इसको भी याद है तो फिर वी कैन ऑल्सो डू इट। सी, सो एंगल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड साइड्स बाय स्मॉल लेटर्स। सो दिस इज ए, दिस आर बेसिक्स, बी दिस इज सी, स्मॉल सी, राइट। मैं एक सेवियन ड्रॉ कर रहा हूं, एनी लाइन व्हिच इज जॉइनिंग द वर्टेक्स विद अ साइड, इट्स अ सेवियन, ओके। लेट्स अज्यूम दिस इज डी, फाइन, दिस इज डी। ये कोई परपेंडिकुलर नहीं है, कोई मीडियन नहीं है, कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट अ सिंपल लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स ए विद साइड बी सी, फाइन, ओके। डिवाइडिंग इन द रेशियो एम इज टू एन, फाइन। दिस पार्ट इज एम गाइस, ये पार्ट आपका एम है और ये पार्ट आपका एन है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू स्टीवर्ट्स थ्योरम मैं बोल सकता हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सी स्क्वायर, देखिए आप, सी स्क्वायर इंटू एन प्लस बी स्क्वायर इंटू एम, फाइन, इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू ए प्लस एम एन ए, फाइन। सो वही मैं लिख रहा हूं अभी, बी स्क्वायर इंटू एम प्लस सी स्क्वायर इंटू एन इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू ए प्लस एम एन ए, फाइन। एम एन क्या है, इसी रेशियो में डी डिवाइड कर रहा है बीसी को, फाइन। दिस इज द रिजल्ट, ये आपको याद रखना है, इसको और इजी वे में यू कैन रिमेंबर लाइक दिस, एम एन ए को आई कैन राइट एम ए एन ऑल्सो, एम इंटू ए इंटू एन, मैन प्लस डैड डी ए डी, डी स्क्वायर डी ए डी है ना, इक्वल टू बॉम्ब बी, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ऐसे बी एम बी प्लस सी एन सी, मैन प्लस डैड इक्वल टू बॉम्ब प्लस सिंक, बस दिस इज अ वे टू रिमेंबर, राइट। बट जो भी है आपको याद रखना है ये रिजल्ट, फाइन, ये फर्स्ट पॉइंट है। नाउ पॉइंट नंबर टू, पॉइंट टू है, नोट एवरीथिंग गाइस, ओके। सो यहां पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस में आपको ये हेल्प करेगा ज्यादा, ठीक है। अगर आपको ये सब याद होगा तो शॉर्टकट्स यू कैन अप्लाई वेरी फास्ट, ओके। उसके बाद हम लोग साइन रूल पे आएंगे। फर्स्ट लेट्स से दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल डॉट दिस, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। लेट्स अज्यूम दिस साइड इज बी, स्मॉल बी, फाइन। ये वाला एंगल है आपका थीटा, ठीक है। सो डायरेक्टली यू कैन से गाइस दिस इज बी साइन थीटा व्हिच इज द वर्टिकल कंपोनेंट, ए बी, ए बी इक्वल टू बी साइन थीटा एंड बी सी इक्वल टू बी कॉस थीटा। दोनों साइड्स को मैंने बी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया है, ठीक है। लाइकवाइज अगर राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया है एंड यू शुड बी वेरी कन्वर्जेंट इन मूविंग बिटवीन दिस, बहुत ज्यादा आपको फर्स्ट होना है ये सब में मूव करने में। ये नहीं लिखना है कि साइन थीटा लिखना है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, सो मैं साइन थीटा की जगह पे लिखूंगा ए बी बाय बी एंड मैं फिर ये करूंगा कि ए बी इक्वल टू
बी साइन थीटा, ये काम नहीं करना है, ठीक है, ये काम ऐसे नहीं करना है, डायरेक्टली आपको लिखना है रिजल्ट, ठीक है, ये रिजल्ट्स आपको डायरेक्टली याद रखना है सो दैट यू कैन डू द क्वेश्चंस वेरी फास्ट, फाइन, ओके, सो वन सेकेंड लेट मी इरेज दिस। अब यहां पे लेट से आपको ये वाला साइड दिया हुआ है, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज लेट से थीटा, ठीक है, आपको ये वाला है स्मॉल ए। अब स्मॉल ए के टर्म्स में मैं एक्सप्रेस करूंगा ए बी एंड ए सी को, सो ए सी आई कैन राइट व्हाट, यहां पे देखिए कॉस थीटा लिखा है, अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा। मार्क द पैटर्न गाइस, ये सब पैटर्न आपको याद रखिए, ये सब चीजें आपको बेसिकली क्राउड से अलग करेंगी मेंस में, यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस वेरी फास्ट इफ यू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। और ये क्या होगा, दिस इज ए टेन थीटा, फाइन। थर्ड फिगर मैं कर रहा हूं आपके लिए, थर्ड फिगर करिए, दिस इज फिगर नंबर थ्री। अब यहां पे क्या है ना, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज थीटा, ठीक है। अब हाँ, आपको दिस इज गिवन एज, दिस इज स्मॉल सी, दिस पार्ट इज गिवन, ओके। अब स्मॉल सी के टर्म्स में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे बीसी एंड एसी को, सो बीसी क्या होगा, बीसी आपका होगा सी कॉट थीटा, सी कॉट थीटा, ठीक है। एंड एसी क्या होगा, एसी होगा, यहां पे मार्क कीजिए, मार्क हियर गाइस, यहां पे क्या हो रहा था, साइन थीटा, अगर यहां पे दिया होता था बी, दिस इज बी साइन थीटा, अब यहां पे सी दिया है तो फिर ये क्या होगा, रिवर्स ऑफ साइन, मीन्स इनवर्स ऑफ साइन, दिस इज कोसेक, सी यू विल राइट सी, वन सेकेंड, यू विल राइट सी कोसेक थीटा, फाइन, सी कोसेक थीटा, फाइन, ओके। सो ये पार्ट आपको क्लियर हो गया, अगर ये क्लियर हो गया है तो फिर मैं आपको एक रिजल्ट सब अभी हम लोग करेंगे यहां पे, एक दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ठीक है। यहां पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ गाइस, दिस इज परपेंडिकुलर, फाइन। आपको पता है ए के ऑपोजिट वाला साइड स्मॉल ए, बी का ऑपोजिट साइड स्मॉल बी, दिस इज सी, ओके। अब मुझे एक बात बताइए, ए का वैल्यू क्या होगा, ए मीन्स साइड बी सी, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज सी स्मॉल सी कॉस कॉस बी, आई होप यू आर गेटिंग इट गाइस। अगर आपने ऊपर का पैटर्न ऑब्जर्व किया है तो फिर फोकस हियर, ट्रायंगल ए बी एंड दिस पॉइंट इज लेट्स से डी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं क्या, ए इक्वल टू ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट ओनली बी डी का बात मैं कर रहा हूं, दिस इज व्हाट, दिस इज सी कॉस बी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट, यहां पे मैंने आपको सिखाया वो चीज यहां पे इस फिगर में, राइट, ओके। सो दिस इज सी कॉस बी प्लस दिस पार्ट, ये वाला पार्ट क्या होगा, सी डी, दिस इज, इसका वैल्यू क्या होगा, दिस इज बी कॉस सी, आई होप दिस पार्ट इज गेटिंग क्लियर। क्या किया मैंने गाइस यहाँ पे, सी यहाँ पे ए बी का जो वैल्यू है दिस इज स्मॉल सी, ठीक है, सो बी डी क्या होगा, बी डी इज सी कॉस बी, यहाँ पे आप देखिए हमने वही चीज को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है, ठीक है, प्लस पूरा मुझे ए का वैल्यू चाहिए, मतलब कंप्लीट बी सी चाहिए, बी सी स्मॉल है, सो सी डी क्या होगा, दिस इज स्मॉल बी कॉस सी, ठीक है। सिमिलरली यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ सी ऑल्सो, यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ बी ऑल्सो, मैंने आपको एक ही चीज बस बता दिया, रेस्ट थिंग्स यू कैन डू बाई योर सेल्फ, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे मूव करते हैं, थर्ड पॉइंट में बेसिकली हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे साइन रूल, साइन रूल, साइन रूल, ठीक है, विथ प्रूफ बताऊंगा मैं। लेट्स से दिस इज सर्कल, ठीक है, यहां पे यहां पे आपका सेंटर है ये, ठीक है, ओके, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये ट्रायंगल है, ये आपका सेंटर है ओ, फाइन, ओके। ट्रायंगल ए बी सी को मार्क कीजिए गाइस, तो फिर ये वाला साइड क्या होगा, बी सी का लेंथ क्या होगा, दिस इज स्मॉल ए, ठीक है, ए के ऑपोजिट स्मॉल है, राइट, ओके। अब एक बात ये बताइए, ओ है आपका सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, सो ये वाला आपका रेडियस है, ओ बी इज आर एंड ओ सी इज ऑल्सो आर, साइन रूल को हम लोग यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं, दिस इज प्रूव इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एक थॉट आपका जनरेट हो जाएगा। सो मुझे एक बात बताइए, ये एंगल आपका है ए, मार्क यहाँ पे पॉइंटर को मार्क कीजिए ए, सो फिर ये वाला होगा क्या, टू ए,
राइट। और ये जो ट्राइंगल है ओबीसी, दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, फाइन। ओके, अगर ये आपको क्लियर हो रहा है तो फिर आई कैन से हियर लेट्स द परपेंडिकुलर, सो दिस इज ए एंड दिस इज ऑल्सो ए, राइट। बिकॉज सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो डबल होगा सर्कमफेरेंस पे जो है उसका, राइट। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि देखिए सर्कल का बेसिक प्रॉपर्टी है, अगर ये ए है तो फिर ये वाला 2A होगा, राइट। और एज दिस इज, एज ओबीसी इज आइसोसेलेस, सो फिर आपका जो परपेंडिकुलर है वही आपका एंगल बाइसेक्टर भी है, राइट। तो यहां पे एक बात आप ये बताइए, यहां पे मैं बोल सकता हूं दिस इज ए बाय टू एंड दिस इज ए बाय टू। हाउ? हमने पूरा बीसी को एज्यूम किया था, बीसी का लेंथ था आपका स्मॉल ए। अगर बीसी का लेंथ स्मॉल ए था तो फिर ये वाला पार्ट दिस इज डी, सो बी डी इक्वल टू ए बाय टू एंड डी सी इक्वल टू ए बाय टू, राइट। ओके, क्योंकि आपके आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर इज ऑल्सो दी मीडियन, राइट। ओके, सो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे आई कैन से साइन ए, मार्क दिस ट्राइंगल गाइस, ये वाला ट्राइंगल को मार्क कीजिए ओबीडी, ट्राइंगल ओबीडी, ट्राइंगल ओबीडी को मार्क कीजिए, मैं लिख भी दे रहा हूं इन ट्राइंगल ओ बी डी। साइन ए क्या होगा, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटन्यूज, परपेंडिकुलर इज ए बाय टू, ए का अपोजिट ए बाय टू बाय हाइपोटन्यूज इज आर, फाइन। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, ए बाय टू आर, राइट। सो यहां पे मैं बोल सकता हूं दैट इंप्लाइज ए बाय साइन ए इक्वल टू टू आर, बाय सिमेट्री आई कैन से, सॉरी दिस इज टू आर, दिस इज टू आर, ओके, बाय सिमेट्री आई कैन से अगर ए बाय साइन ए टू आर हो रहा है, सिमिलरली बी बाय साइन बी भी टू आर होगा एंड सी बाय साइन सी भी टू आर होगा बाय सिमेट्री, फाइन। सो ये आपका आ गया साइन रूल, ए बाय साइन साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी इक्वल टू टू आर, आर क्या है, आर इज सर्कम रेडियस, फाइन। दिस पार्ट इज गेटिंग क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, अब हम लोग बेसिक्स पे मूव करते हैं, राइट। ओके, अब बेसिक्स पे मूव करते हैं, अभी तक जो कर रहे थे वो भी बेसिक्स ही था, बट अभी प्रॉपर बेसिक्स पे आते हैं, ट्रायंगल बेसिक्स में। फर्स्ट, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये आपको पता ही है, राइट। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड में क्या होगा, सेकंड में आपको पता है एक्सटीरियर एंगल, अगर एक ट्रायंगल है सो उसका एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। या आप अपने लैंग्वेज में लिख दोगे कि सम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, मतलब ये आपके ट्राइंगल में दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, दिस इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। सिमिलरली आप अगर दो साइड्स में आप अगर एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ करोगे तो वही सेम रिजल्ट अप्लाई करेगा, राइट। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट इज, थर्ड पॉइंट आई विल मूव टू, और क्या होगा, सम ऑफ टू साइड्स इन अ ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, ओके, दिस इज स्मॉल ए, दिस इज स्मॉल बी, दिस इज स्मॉल ए, ओके, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, राइट, सी प्लस ए इज ग्रेटर देन बी, सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, मैं फोर्थ पॉइंट लिख रहा हूं, मैं यहां पर यहीं पर लिख रहा हूं गाइस, फोर्थ पॉइंट में यहीं पर लिख रहा हूं, फोर्थ पॉइंट है डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड, मीन्स ए माइनस बी इज लेस देन सी, बी माइनस सी इज लेस देन ए एंड सी माइनस ए इज लेस देन बी। सो हमने यहां पे फोर्थ फोर पॉइंट चेक किए, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमने देखा एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, थर्ड पॉइंट हमने देखा सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, फोर्थ पॉइंट हमने देखा डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड, ओके। अब फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, एक काम करता हूं मैं खुद को हाइड कर लेता हूं ताकि कुछ स्पेस बच जाएगा यहां पे, ठीक है, मैं अपना स्क्रीन हाइड कर रहा हूं, ओके, सो दैट यू कैन वॉच द कंप्लीट स्लाइड। पॉइंट नंबर फाइव, इफ सी स्मॉल सी, स्मॉल सी इज द ग्रेटेस्ट साइड, ठीक है, देन आई कैन से
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें तीन कंडीशंस आएगा गाइस, मैं मार्क कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है तो दिस इज अ कंडीशन ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, फाइन। अगर सेकंड कंडीशन में अगर हो रहा है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हो रहा है तो दिस इज अ फेमस कंडीशन, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और थर्ड कंडीशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर, दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, ये मुझे बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इन दिस क्लास वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस माइन्यूट थिंग्स, ठीक है। सो दिस इज योर पॉइंट नंबर 5, यहाँ पे आपका बेसिक्स खत्म होता है, ठीक है। वन मोर पॉइंट, लेट मी हाईलाइट द पॉइंट ऑफ कोसाइन रूल, ठीक है। पांच पॉइंट हमने डिस्कस किया था, सिक्स पॉइंट खाली बोल दे रहा हूँ यहाँ पे, पॉइंट नंबर 6 इज कोसाइन रूल, कोसाइन कोसाइन रूल, ठीक है। कोसाइन रूल, लेट मी डू इट इन द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं होगा, लेट मी डू इट इन द नेक्स्ट स्लाइड गाइस, ओके। कोसाइन रूल इज, फर्स्ट लेट्स ड्रॉ अ ट्रायंगल, यू कैन डू इट इन एनी ट्रायंगल गाइस, ओके। यहाँ पे दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, मैंने आपको बताया है कि एंगल्स को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड साइड्स को स्मॉल लेटर से, ठीक है। सो अपोजिट टू बी इज स्मॉल बी, दिस इज स्मॉल सी, दिस इज स्मॉल ए। सो एज पर कोसाइन रूल, ये सब आपको नोट करना है अपने नोटबुक में, ठीक है, अपने नोट कॉपी में, बिकॉज मेरा हैंडराइटिंग इतना अच्छा नहीं है। सो कॉस सी, ये है एंगल सी, ऑब्वियसली क्योंकि कॉस आप यूज करो तो ऑब्वियसली एंगल के लिए यूज करोगे, दिस इज कॉस कैपिटल सी, ओके। कॉस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई टू ए बी। अगर मैं बोलूंगा कॉस ए, कॉस ए क्या होगा, दिस इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू बी सी, ठीक है। लाइकवाइज यहाँ पे आपका थर्ड पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, कॉस सी गया बी, ए गया बी, कॉस बी क्या होगा, कॉस बी एंटीसिपेट यहाँ पे क्या होगा, ये आपने देख लिया, ये देख लिया, आप यहाँ पे एंटीसिपेट कीजिए कि क्या होगा, दिस इज अगर बी निकाल रहा हूँ तो फिर बच क्या रहा है, ए और सी, सो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी डिवाइड बाय, सॉरी माइन ए स्क्वायर प्लस, वन सेकंड गाइस, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय टू ए सी, फाइन। सो दिस इज योर कोसाइन रूल, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपका बेसिक्स खत्म होता है, अब हम लोग मूव करेंगे सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल पे, ठीक है। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, फर्स्ट पॉइंट इज योर इन सेंटर, ओके। इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, इट लाइज ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, इज ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, फाइन। एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल इज नोन एज इट्स इन रेडियस, ओके। अब इसके प्रॉपर्टीज हम लोग चेक करेंगे, सारे प्रॉपर्टीज ऑफ इन सेंटर। लेट मी ड्रॉ अ ट्रायंगल, पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको सारे प्रॉपर्टीज वन बाय वन मैं क्लियर करूंगा। आपको गाइस सब कुछ अपने नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। ए बी सी एंगल बाइसेक्टर में ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज डी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, दिस एंगल बाइसेक्टर इज ए डी। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए बी बाय ए सी इक्वल टू बी डी बाय डी सी, वेयर ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग चेक करते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी, मैं सारे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, बी से एक एंगल बाइसेक्टर मैंने खींच लिया यहाँ पे, ओके। उसके बाद सी से एक एंगल बाइसेक्टर मैंने खींच लिया, ठीक है, ओके। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर आपको पता है, दिस इज इन सेंटर, ये पॉइंट आपका है इन सेंटर, फाइन। मैं इसको डिफरेंट कलर से मार्क कर रहा हूँ, दिस इज पॉइंट आई, आई इज द इन सेंटर, ठीक है। अब आपके क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा फिगर को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, दिस इज वन सेकेंड, लेट मी इरेज दिस पार्ट ऑल्सो, बस दिस इज, इसको ज्वाइन कर दो, उसके बाद ये पार्ट इरेज कर दो, इसको लेट मी ज्वाइन दिस बी आई, उसके बाद सी आई सी, ठीक है।
अब ये चीजें क्या है, दिस इज एंगल बाइसेक्टर, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग चेक करते हैं, दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी, बी आई सी, मार्क कीजिए आप, बी आई सी इज 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, सी आई ए, सी आई ए मार्क कीजिए 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल बी, ए आई बी इज 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल सी। ओब्वियसली मैं यहाँ पे प्रूफ इसका डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हम लोग एक शॉट में ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे, सो इट विल वेरी डिफिकल्ट टू डिस्कस द प्रूफ, वरना क्लास बहुत लेंदी हो जाएगा, राइट। ओके, सो ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। ये पॉइंट नंबर टू हो गया, ठीक है, मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री पे आते हैं, पॉइंट नंबर थ्री आपका हो गया, अगर मैं थोड़ा सा फिगर को मॉडिफाई करता हूँ, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ, उसके बाद वन सेकेंड का इसमें थोड़ा सा फिगर को मॉडिफाई कर देता हूँ, वन सेकेंड, ई इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, एफ, ठीक है। अब और एक चीज़ है, ये जो बी सी साइड है इट इज अपोजिट टू एंगल ए, ठीक है, एंगल ए का अपोजिट है, तो ये वाला साइड जो है दिस इज स्मॉल ए, ठीक है। अब ये वाला साइड जो है अपोजिट टू एंगल बी, दिस कंप्लीट साइड दिस इज स्मॉल बी, एंड अपोजिट टू एंगल सी ये वाला आपका साइड दिस इज स्मॉल सी, ठीक है। अब रिजल्ट नंबर थ्री चेक करेंगे, ए आई बाई आई डी, दिस इज आई, दिस पॉइंट इन सेंटर, दिस इज आई, मार्क इट विद अ कलर, दिस वन सेकेंड, हाँ ये आपका आई हो गया। अब आप मार्क कीजिए, ए आई बाई आई डी इज बी प्लस सी बाई ए, बी आई बाई आई इज ए प्लस सी बाई बी, सी आई बाई आई एफ इज ए प्लस बी बाई सी, आई बाई आई एफ इज ए प्लस बी बाई सी। ये पॉइंट नंबर थ्री हो गया। अब पॉइंट नंबर फोर पे हम लोग आएंगे, पॉइंट नंबर फोर इज एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया इक्वल टू स्मॉल आर इंटू एस, ठीक है, स्मॉल आर इज इन रेडियस, ठीक है, इन रेडियस एंड एस इज योर सेमी पेरीमीटर, ठीक है, फाइन। सो अब पॉइंट नंबर फाइव पे हम लोग मूव करेंगे, पॉइंट नंबर फाइव ऑफ इन सेंटर, यहाँ पे हम लोग एक्स सेंटर की बात करेंगे, ठीक है। नोट एवरीथिंग गाइस, व्हाट एवर आई एम राइटिंग जस्ट नोट इट इन योर नोटबुक। अगर ये आपका एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, फाइन। ओके, मैं बी साइड को एक्सटेंड कर रहा हूँ, सी को भी एक्सटेंड कर रहा हूँ थोड़ा सा, लेट मी राइट इट हियर। ओके, यह है सी, ठीक है। अब इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर निकाल रहा हूँ बी का, यहाँ का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर निकाल रहा हूँ, लेट से दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट, ठीक है। अब ये पॉइंट को मैं नेम कर रहा हूँ लेट से पी, ठीक है। अब हमने ये चीज़ पढ़ा था, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट कर रहे हैं, लेट से दिस इज पॉइंट आई, ठीक है, ये पॉइंट अगर आई है, तो हमने पढ़ा था क्या, बी आई सी, ये अभी हमने पढ़ा था, बी आई सी इज 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, ठीक है, यह है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के लिए। अब एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर मतलब बी इज द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स। अब पी को आप सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो लाइक दिस, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डायग्राम इतना अच्छा नहीं है मेरा, ये पूरा इसको टच करके जाएगा गाइस, ठीक है, लाइक दिस, फाइन। ओके, बस रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए, सो आई कैन से बी पी सी इज 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, एंड सिमिलरली यू कैन डू फॉर अदर टू साइड्स ऑल्सो, ठीक है। ओके, अब ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब पॉइंट नंबर सिक्स पे मूव करते हैं, सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट है एंगल बाइसेक्टर का लेंथ। ओके, दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, कैसे आ रहा है ये, दिस इज कमिंग फ्रॉम स्टुअर्ट थ्योरम, ये आपका स्टेटमेंट है स्टुअर्ट थ्योरम का, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, स्टेटमेंट ऑफ स्टुअर्ट थ्योरम, जो हमने क्लास के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, स्टुअर्ट थ्योरम, वहां से ही ये रिजल्ट आपका आ रहा है। ओके, मैं अभी इसको प्रूव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, हाउ जस्ट हैव टू थिंक, वरना ये डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रखो, ठीक है, जब डिटेल क्लासेस में लूंगा ज्योमेट्री का उसमें कंप्लीट डिस्कस करूंगा मैं, अभी के लिए जस्ट रिमेंबर द डायरेक्ट रिजल्ट, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का लेंथ, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, इन केस ऑफ अगर ये आपका ट्रायंगल है रेफरेंस के लिए। ओके, सो फ्रॉम हियर, फाइन। अब पॉइंट नंबर सेवन मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल,
राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें वन सेकेंड, दिस इज राइट एंगल हियर, दिस इज ए बी सी, दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस, दिस इज योर हाइपोटन्यूज, स्मॉल आर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटन्यूज बाय टू, फाइन, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, आर इज द स्मॉल आर इज द इन रेडियस, फाइन, सो दिस कंप्लीट्स योर इन सेंटर, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इन सेंटर, सात प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया है, ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड, नेक्स्ट सेंटर, नेक्स्ट सेंटर इज योर सर्कम सेंटर, ओके, सर्कम सेंटर क्या है, दिस इज द पॉइंट वेयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स और ऑल्टीट्यूड डिफरेंट है गाइस, आपको ये पता होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एंड ऑल्टीट्यूड्स आर डिफरेंट, ऑल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ऑर्थो सेंटर, उस पर हम लोग आएंगे, बट अभी लेट्स डिस्कस सर्कम सेंटर, फर्स्ट पॉइंट, दिस इज योर पॉइंट नंबर वन, बी ओ सी इज टू ऑफ एंगल बी ए सी, सी दिस, दिस इज डबल ऑफ दिस, ये आपको सर्कल के प्रॉपर्टी से पता है, ठीक है, दिस इज कमिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल्स, एंगल इन द सर्कमफेरेंस इज हाफ ऑफ द एंगल एट सेंटर, फाइन, सो ये आपको पता है ऑलरेडी, दिस पार्ट आई डोंट नीड टू फर्दर एक्सप्लेन दिस, उसके बाद पॉइंट नंबर टू, इसको मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन कर दिया साइन रूल, ठीक है, ये आपको मैंने ऑलरेडी प्रूफ इसका बता दिया है, अब पॉइंट नंबर थ्री, पॉइंट नंबर थ्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ मैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपको याद ये रखना है, एरिया इक्वल टू ए बी सी बाय फोर आर, ठीक है, ए बी सी बाय फोर आर, ये आपको याद रखना है, बेसिकली एरिया आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, सो ए बी सी बाय फोर आर, आर इज द सर्कम रेडियस, फाइन, ओके, सो ये वाले तीन चीजें आपको याद रखनी है माइंड में, ओके, नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यू, इसको मैं स्टार मार्क करूंगा गाइस, दिस पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, ओके, फॉर इक्वल, ओके, यहाँ पे ये गलत है, ओके, हमारे टाइपिस्ट ने गलती ही कर दिया है पीपीटी बनाने में, ये गलत है, ओके, मैं इसको आपके लिए प्रूफ कर दे रहा हूँ, ऑल्दो ऑल दिस थिंग्स आई विल प्रूव अगेन इन मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में इक्विलेटरल ट्रायंगल, टू डी मेंसुरेशन में, बट यहाँ पे मैं एक बार और आपको समझा दे रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीन साइड्स इक्वल होते हैं, ए, ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, सो दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, फाइन, अब यहाँ पे हाइट क्या होगा, हाइट आपको पता है, मैंने इनिशियली आपको पढ़ाया, हाइट क्या होता है, दिस पार्ट इज, दिस पार्ट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको, दिस पार्ट इज व्हाट, दिस इज वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ व्हाट, ऑफ दिस, दिस इज ए साइन थीटा, मीन्स मैं ये बोल रहा हूँ गाइस, दिस पार्ट अगर मैं नाम दे दूँ ए बी सी, ठीक है, दिस पार्ट को डी में नाम दे रहा हूँ, तो ए डी मतलब जो हाइट होता है, दिस इज ए डी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ए डी इज ए डी, वन सेकेंड गाइस, ए डी, ओके, हाइट, हाइट जो है, दिस इज ए साइन थीटा, ए, ए है साइड ऑफ द इक्विलेटरल एंगल, ए साइन 60 डिग्री, अब साइन 60 डिग्री आपको पता है रूट थ्री बाय टू, सो हाइट होता है कितना, रूट थ्री बाय टू, रूट थ्री बाय टू इंटू साइड, ठीक है, अब ये आ गया हाइट, अब आपको निकालना है क्या, स्मॉल आर विच इज द इन रेडियस एंड कैपिटल आर विच इज द सर्कम रेडियस, ठीक है, आपको पता है ये बेसिकली अगर आप यहाँ पे मार्क करो ये, ठीक है, इसको मैं डिवाइड करूंगा इन द रेशियो 2:1, ठीक है, सो इसका हाइट का टू थर्ड्स, ठीक है, टू थर्ड, इसका टू थर्ड होगा क्या, इसका टू थर्ड होगा आपका सर्कम रेडियस एंड वन थर्ड जो होगा वो होगा आपका इन रेडियस, सो टू थर्ड ऑफ रूट थ्री बाय टू ए, मैं मीडियन का प्रॉपर्टी मतलब सेंट्रोइड में हमने पढ़ा था ना 2:1 में डिवाइड करता है, सो वही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज तो होना आएगा इस, यहाँ पे सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, सो दिस इज ए बाय रूट थ्री, ये क्या आ गया आपका, दिस इज योर सर्कम रेडियस ए बाय रूट थ्री, राइट, और इन रेडियस क्या हो जाएगा, वन थर्ड ऑफ हाइट विच इज ए बाय टू रूट थ्री, दिस इज इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मैंने आपको प्रूफ भी करवा दिया इसको, राइट, सो अब आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है, ये सारे रिजल्ट्स आपको याद रहने चाहिए डायरेक्टली, अब नेक्स्ट दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, डी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस टू आर इंटू आर, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सर्कम रेडियस एंड इन रेडियस, इन सर्कम सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर, फाइन, सो दैट्स इट, अब नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज योर
नेक्स्ट सेंटर इज योर सेंट्रॉयड, ठीक है, नेक्स्ट सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रॉयड क्या है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ठीक है, विच इज द साइड बाइट सेक्टर्स। मीडियंस होता है साइड बाइट सेक्टर, आपको पता है बेसिक चीजें हैं, राइट। सो पॉइंट्स में इसका हाईलाइट कर रहा हूँ आपको, फर्स्ट पॉइंट एरिया ऑफ दिस दिस एंड दिस इज 1/3 ऑफ ए बी सी, ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दिस पार्ट सेंट्रॉयड, ये पॉइंट आपका सेंट्रॉयड है जी, दिस जी इज द सेंट्रॉयड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, ठीक है। जी बेसिकली डिवाइड करता है मीडियन को इन द रेशियो 2:1, ये अगर 2 है सो ये 1 होगा, ठीक है। अगर ये 2x है गाइस, अगर ये 2x है तो ये x होगा, ये रेशियो 2:1 रहेगा। उसका मतलब ये नहीं है कि ए डी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू सी एफ, दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ दैट। 2:1 मतलब रेशियो 2:1 में रहेगा, ठीक है। सो इफ दिस इज 2x दिस इज x, इफ दिस इज 2y दिस इज y, इफ दिस इज 2z दिस इज z, फाइन, दिस इज द बेसिक मीनिंग, फाइन, ओके। सो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। अब उसके बाद और एक चीज आपको याद होना चाहिए, दैट ऑल दिस एरियाज, दिस एरिया, दिस 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 दिस, ऑल दिस सिक्स एरियाज, बेसिकली सेंट्रॉयड डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू सिक्स इक्वल एरियाज, ठीक है, ऑल दिस एरियाज आर इक्वल, दिस दिस दिस, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज वन, 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 ठीक है। सो ऑल दिस एरियाज आर इक्वल, ठीक है, वहीं से ही आपका ये पॉइंट आ रहा है, एरिया ऑफ ए जी बी, आप चेक कीजिए ये ट्रायंगल ए जी बी, टू यूनिट्स, दिस इज टू यूनिट्स, दिस इज टू यूनिट्स, सो एरिया बेसिकली अगर पूरा ट्रायंगल का मैं 6 मान दूं तो ये आपको प्रूव हो रहा है, राइट, ओके। उसके बाद दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये सारा वहीं से आपको ये प्रूव करना होगा, तो आप ऐसे ही प्रूव करोगे। देखो ये मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ बस, दिस पार्ट इज व्हाट गाइस, दिस इज 2:1 में डिवाइड कर रहा है, सो अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ ए जी का, सो ए जी इज 2/3 ऑफ ए डी, ठीक है। अब 2/3 ऑफ दिस इज 2/3, लाइक वाइज दिस पार्ट, दिस इज 2/3 ऑफ बी ई, ठीक है। अब ये ट्राइंगल आप मार्क करो, प्रूफ कैसे करोगे, बेसिकली बोल रहा हूँ कि ये रिजल्ट को आप प्रूफ कैसे करोगे, बस थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये ट्राइंगल चेक करो आप, ये ट्राइंगल ए जी बी, यहाँ पे दिस इज 2/3 ऑफ बी डी, दिस इज 2/3 ऑफ पी, सो सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, सो दिस प्लस दिस इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है। सो लाइक वाइज आप इसको प्रूव करोगे, मैंने बस एक बैकग्राउंड दिया है क्योंकि यहाँ पे हमको क्विक रिविजन करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब ये वाला पॉइंट है, दिस इज दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज कमिंग फ्रॉम एपोलोनियस थ्योरम, आप वहां पे एपोलोनियस थ्योरम से ये पॉइंट आप इजीली डिराइव कर लोगे, ठीक है, फ्रॉम एपोलोनियस थ्योरम, ठीक है, ओके। ये हो गया आपका एपोलोनियस थ्योरम, एपोलोनियस थ्योरम इट इज अगेन कमिंग फ्रॉम स्टुअर्ट थ्योरम, ठीक है। और जो जो मैंने 4/3 का जो आ रहा था, दैट इज अगेन डेरिवेशन फ्रॉम एपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है, यहाँ पे बेसिकली एपोलोनियस थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, ठीक है। सो रिमेंबर दिस गाइस, ओके, ये आपका डिराइव हो रहा है कहाँ से, आप इस रिजल्ट को ला सकते हो फ्रॉम स्टुअर्ट थ्योरम, ठीक, ओके। नेक्स्ट पॉइंट चेक करता है, नाउ ऑल थ्री मीडियंस आर गिवन देन द एरिया। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज हाईलाइट करूंगा, ये जो एस नहीं है गाइस, ये जो एस लिखा है, एस इज बेसिकली मीडियन 1 प्लस मीडियन 2 प्लस मीडियन 3 बाय 2, स्मॉल एस का वैल्यू ये है। यहाँ पे ये साइड का नहीं है, दिस इज नॉट दिस सेमी पेरीमीटर, ये आपको याद रखना है, दिस इज एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री बाय टू, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपको मीडियंस दिए होंगे, एरिया पूछा होगा, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज याद रखना है, यहाँ पे 4/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो हेरॉन्स फॉर्मूला नहीं है, 4/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी हेरॉन्स फॉर्मूला इज गेटिंग रेप्लिकेटेड, ठीक है। क्विक रिविजन हम लोग कर रहे हैं गाइस, सो इसलिए आपको सारे चीज़ों को मैं बस बैकग्राउंड देता हुआ चल रहा हूँ, जब डिटेल कोर्स करूँगा सो सारा कुछ मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा आपको, ठीक है। यहाँ पे कम समय में हमको कंप्लीट चीज़ देखना है, सो थोड़ा सा हम लोग फास्ट मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राइट एंगल ट्रायंगल में अगेन दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, राइट एंगल ट्रायंगल में प्रूव हो जाएगा बहुत बहुत इजीली, बट ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, ठीक है, क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज हो जाता है, फाइन।
सो रिमेंबर दिस. नेक्स्ट पॉइंट. नाउ व्हेन मीडियंस मीडियंस आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, दिस इज द कंडीशन व्हेन मीडियंस आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, देन 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द कॉमन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. ठीक है. नाउ दिस पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपको याद रखना है. ठीक है, अगेन प्रूव हो जाएगा बहुत सिंपल वे में. ठीक है, दिस इज 2:1. ठीक है, दिस इज 2:1. रेशियो अलग रहेगा, अगर ये 2x है तो ये x रहेगा, अगर ये y है तो ये 2y रहेगा. ठीक है, उसके बाद आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, आराम से आप इसको प्रूव कर लोगे रिजल्ट को, पर रिजल्ट को आपको याद रखना है. ठीक है, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू हैव टू रिमेंबर द रिजल्ट. फाइन, नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं. अब हम लोग नेक्स्ट सेंटर पे आ रहे हैं, दिस इज ऑर्थो सेंटर. ठीक है, सारे सेंटर्स में जो जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ आपको सब कुछ याद रखना है. ठीक है, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर में दिस इज व्हाट, दिस इज द पॉइंट वेयर ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स. ठीक है, ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, राइट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आपका यूज होगा. उसके बाद सम ऑफ ऑल दिस साइड्स इज ग्रेटर देन सम ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स. थर्ड पॉइंट, दिस इज बेसिक थिंग जो आपको पता ही होगा ये चीज. ठीक है, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको दिस यू नो दैट अगर मैं ट्रायंगल में बात करूं, इस ट्रायंगल में दिस इज आई कैन से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज एरिया, राइट, सो आई कैन से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज हाफ ए इंटू एच वन, दिस इज इक्वल टू हाफ बी इंटू एच टू इक्वल टू हाफ सी इंटू एच थ्री, इजंट इट गाइस. ओके, अब यहाँ पे मैं हाफ अगर कैंसिल कर दूँ, हाफ बेस इंटू हाइट होता है एरिया, राइट, सो दिस इज व्हाट, ए इंटू एच वन इक्वल टू बी इंटू एच टू इक्वल टू सी इंटू एच थ्री, राइट, दिस इज इक्वल टू अज्यूम कर दो के. ठीक है, अब यहाँ पे आप इजिली ये रिजल्ट यहाँ से ला सकते हो. ठीक है, अब यहाँ से आपका ये रिजल्ट आ जाएगा that h1 h2 is to h3 is equal to 1 by a into 1 by b is to 1 by c. Fine, so this you have to remember. Next point is this ao into od, check karo, ao into od equal to ob into oe equal to oc into of. ye kaise aa raha hai, this is coming from similarity. Okay, similarity concept se ye aa raha hai. Okay, uske baad aapka एच वन एच टू एच हाइट, देन दिस पॉइंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. ये पॉइंट आपका कहाँ से आ रहा है, दिस पॉइंट इज कमिंग फ्रॉम द ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी से यही पॉइंट आ रहा है आपका. ठीक है, अब वहाँ से आप डायरेक्टली ये चीज आ सकते हो, बट ये चीज आपको याद रखना है, कहीं कहीं क्वेश्चन थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा ट्रायंगल इनइक्वालिटी में तो ये आपका रिजल्ट यूज हो जाएगा. ठीक है, तो रिमेंबर दिस गाइस. ओके, नेक्स्ट पॉइंट फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये पॉइंट्स मैं आपको अगेन मेंसुरेशन में ये सारा कुछ मैं कवर करूंगा. ठीक है, बट यहाँ पे आप एक बार चेक कर लो, एरिया इज रूट थ्री बाय फोर इंटू ए स्क्वायर, ये आपको पता ही है, राइट, दिस पार्ट्स यू हैव टू रिमेंबर, ये आपको याद रखना है. ठीक है, रिजल्ट्स डायरेक्टली याद होंगे, डायरेक्टली यूज होंगे ये सब क्वेश्चन में. ठीक है, एच इक्वल टू मतलब हाइट, एच क्या है, हाइट, हाइट इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल. फाइन, ओके, एरिया डायरेक्ट फॉर्मूला, सर्कम रेडियस इन रेडियस. फाइन, ये सब कुछ मेंसुरेशन में फिर से करूंगा, बट आपको अभी आपको बस याद रखना है ये चीजों को, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज योर राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, अब सिमिलैरिटी से मैं कुछ रिजल्ट्स यहां पे आपके लिए लिख रहा हूं. यहां पे दिस इज फर्स्ट रिजल्ट आई विल राइट, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू कंप्लीट ए बी. नेक्स्ट आई विल राइट बी सी स्क्वायर इक्वल टू डी बी इंटू कंप्लीट ए बी. देन आई विल राइट सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू डी बी, राइट. और उसके बाद और एक चीज आपको याद रखना है गाइस, हाफ ऑफ इस ट्राइंगल का एरिया आप निकाल सकते हो, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ ए बी, राइट, हाफ बेस इंटू हाइट, दिस इज also equal to half of c, means this part. Okay, अगर मैं यहां से लूं, this is base and this height, तो area निकलेगा, right? So this is c into p, right? Okay,
सो यहां से मैं अगर इसको कैंसिल कर दूं, ठीक है, सो पी को मैं बोल सकता हूं पी इक्वल टू दिस पार्ट इज ए बी बाय सी। फाइन, कैसे आ गया पता चला आपको, इक्वेट करके एरियाज। ओके, सो दिस मेनी थिंग्स वी हैड टू डिस्कस टुडे। बाकी जो बच गया वो हम लोग पार्ट टू मीन्स नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, वहां पे हम लोग कंप्लीट ज्योमेट्री खत्म करेंगे। सारे पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं, ये बस आपको एक नोट कॉपी में सब कुछ लिखना है एंड यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू डिस्कस इन ब्रीफ। ओके, आपको वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, राइट। पार्ट टू में हम लोग ज्योमेट्री को रैप अप करेंगे, देन विल बिगिन मेंस्ट्रुएशन। वैसे ही मेंस्ट्रुएशन आपका दो वीडियोस में कंप्लीट होगा। ओके, सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ द पार्ट वन। पार्ट वन का एंड होता है यहाँ पे, हम लोग पार्ट टू में मिलेंगे, वहां पे हम लोग रेस्ट पॉइंट्स ऑफ ज्योमेट्री कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।